ने राजनीति को अलविदा कह दिया है, अब वह राजनीति में वापसी नहीं करेंगी, ऐसा कहना है उनके बेटे सजीब वाजिद जाय का। उन्होंने कहा कि शेख हसीना अपने नेतृत्व के खिलाफ हुए विद्रोहों से बहुत निराश हैं। उन्होंने कहा कि हसीना रविवार से ही इस्तीफा देने पर विचार कर रही थी। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस एक्शन पर शेख हसीना का बचाव करते हुए सजीब वाजिद ने कहा कि जब बांग्लादेश में पुलिस वालों को पीट पीट कर मारा जा रहा था तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो देखिए, शेख हसीना के जाने के बाद से अब जो देश के हालात हैं वो देखिए किस तरीके के नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में ऐसे हालात हैं और ऐसे में शेख हसीना के जो बेटे हैं उन्होंने अब बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि अब वह राजनीति में वापसी नहीं करेंगी। उनके बेटे सजीब वाजिद जाय ने ये कहा है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना अपने नेतृत्व के खिलाफ हुए विद्रोहों से बहुत निराश हैं, वो नजर आई। तो बांग्लादेश में लगातार चौथी बार और देखिए बांग्लादेश की संसद का यह हाल दिखा रहा है, किस तरीके से यहां पर उत्पाद जो है वो देखने को मिल रहा है। शेख हसीना राजनीति में वापस नहीं लौटेंगी, ये दावा किया गया है उनकी बेटी की तरफ से और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे थे उससे नाखुश थे शेख हसीना। तो बांग्लादेश में लगातार चौथी बार पीएम बनी शेख हसीना ने कभी सोचा नहीं होगा कि 15 साल का शासन सिर्फ 15 मिनट में हाथ से निकल जाएगा। बताया जा रहा है कि शेख हसीना को इस्तीफा देने के बाद सेना ने देश छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया था। शेख हसीना के देश छोड़ने के कुछ ही घंटे बाद उनकी विरोधी और चीन समर्थक खालिदा जिया को जेल से रिहा करने के आदेश दे दिए गए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है इस बांग्लादेश की सियासत की, जहां पर 15 मिनट में तख्ता पलट होता है, उसके बाद से शेख हसीना देश को छोड़ देती है। जो तस्वीर सामने आई है जिस चौपर से उन्होंने इस देश को छोड़ा और खालिदा जिया की वापसी की बात कही जा रही है। और देखिए इस बीच पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक की है क्योंकि पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश की राजनीतिक हलचल के बीच लगातार केंद्र सरकार की भी नजर। तो पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश में जमकर हिंसा हुई, आगजनी हुई, लोगों पर हमले हुए, ये 5 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शेख हसीना के आधिकारिक निवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया, पीएम के घर पर जाकर लूटपाट की गई और तोड़फोड़ भी की गई। सैकड़ों की संख्या में आए प्रदर्शनकारियों ने संसद को भी नहीं छोड़ा, वहां भी विरोध करने वाले लोगों ने हंगामा किया। ढाका में आवामी लीग के दफ्तर में आग लगा दी गई और आवामी लीग के सांसदों के घर पर भी हमले हुए, आगजनी हुई। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार उखाड़ फेंकने के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। बांग्लादेश में ऑपरेशन रिजिम चेंज के पीछे आईएसआई का हाथ होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक प्रमुख और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की आईएसआई से साठगांठ के सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि खालिदा जिया के बेटे ने लंदन में आईएसआई के साथ मिलकर ऑपरेशन रिजिम चेंज तैयार किया था जिससे बांग्लादेश में पूरा किया गया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में तारिक रहमान और आईएसआई अधिकारियों के बीच बैठकों के सबूत होने का दावा बांग्लादेश के अधिकारी कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे, शेखपुरा जिले में 7 अगस्त को होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। जिले के 7 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसमें करीब 3500 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसको देखते हुए डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक करके कड़ी निगरानी का निर्देश दिया है। प्रशासन ने सेंटर पर पुलिस बल की तैनाती की है और सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन द्वारा पूरे जिला मुख्यालय में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां लगभग 3500 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी तरीके से परीक्षा संपन्न कराए जाने को लेकर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, पुलिस बल तैनात रहेंगे। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर जो जहां भी परीक्षा भवन में परीक्षा होगा वहां सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ताकि कहीं कोई कदाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहे। इस तरह से
सिपाही परीक्षा को लेकर के टोटल 7 सेंटर शेखपुरा जिला में बनाए गए हैं, जिसमें कि हम लोगों के स्तर से पहले तो हम और डीएम मैडम के स्तर से हम लोग सभी सेंटर का माइनॉरिटी वेरिफिकेशन किया। उसके पश्चात सभी सेंटर पर 2-2 पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सिक्योरिटी के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें जॉइंट ऑर्डर भी तैयार हो गया और 7 सेंटर में हम लोग का सिक्योरिटी 200% हम लोग रखेंगे। इसमें कोई भी परीक्षार्थी को भी कोई इश्यू नहीं होगा और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों में सही तरीके से मॉनिटरिंग हो पर एग्ज़ाम का डीएम खुद मॉनिटरिंग करेंगे। डीएमएसपी की संयुक्त कार्रवाई में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा का आयोजन होगा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। गया से इस बीच बड़ी खबर, जहां पेपर लीक के नाम पर ठगी हुई है। सिपाही भर्ती परीक्षा के नाम पर ठगी की खबर सामने आ रही है। 45 लोगों से 500 रुपए लिए गए। पुलिस की गिरफ्त में गुड्डू कुमार आया है। 24 घंटे के अंदर इसकी गिरफ्तारी हुई है। व्हाट्सएप के जरिए पेपर देने की बात कही थी। पेपर लीक के नाम पर ठगी करने वाला एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर थाना की पुलिस ने आरोपी गुड्डू कुमार को डुमरिया से गिरफ्तार किया है। आरोपी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 के पेपर लीक के नाम पर करीब 40 से 45 लोगों से 500 रुपए ले चुका है। अभ्यर्थियों से कहा गया था कि एग्जाम आने के पहले सभी को पेपर दे दिया जाएगा और उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक बनाकर फेसबुक पर डाल दिया था और उसमें लिखा गया था कि जिस किसी को पेपर चाहिए तो वह व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं। शिकायत के बाद साइबर थाना की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 के नाम पर एक व्यक्ति के द्वारा अपने मोबाइल से ठगी किया जा रहा है और सोशल मीडिया का उपयोग उसके द्वारा किया जा रहा है और लोगों को जोर करके उससे पैसे की उगाही की जा रही है। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया तथा इस मामले में एक पीसीटी और डीएसपी साइबर क्राइम के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और इनके द्वारा जब इस मामले में की जांच की गई तो यह पाया गया कि डुमरिया थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति है जिसका नाम है गुड्डू कुमार, उसके द्वारा इस प्रकार का कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के बाद पुनपुन और सोन नदी उफान पर आ गई है, जिसको लेकर डीएम वर्षा सिंह ने जिला प्रशासन की पूरी टीम के साथ दोनों नदियों का निरीक्षण किया और बाढ़ की आशंका को देखते हुए सीओ और बीडीओ को इलाके से सटे इलाके गांव में हाई अलर्ट के साथ कड़ी चेतावनी देने का निर्देश दिया। साथ ही जिला प्रशासन ने डीआरएफ टीम को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया। सोन तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। कलेर ब्लॉक और अरवल ब्लॉक में विभिन्न लोकेशंस को देखा गया है और पाया गया है कि सोन नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बाढ़ की स्थिति फिलहाल नहीं है, लेकिन जो इंजीनियर्स हैं फ्लड कंट्रोल डिवीजन के, उनको लगातार उस पर निगरानी हेतु निर्देशित किया गया है। आपदा प्रभारी द्वारा भी निगरानी रखी जा रही है। SDRF टीम की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध पत्र भेजा गया है। प्राप्ति होने के पश्चात अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों लगातार हुई बारिश और इंद्रपुरी बराज से पानी छोड़े जाने के कारण सोन नदी उफान पर है। औरंगाबाद के बारून और दाऊदनगर के सोनकटिया इलाकों में कई एकड़ में लगी सब्जी की खेती डूब गई है और वहीं भगवान बिघा में 9 मछुआरे और सब्जी उत्पादक किसान जिले पर ही फंस गए थे, जिन्हें दाऊदनगर प्रशासन ने नाव भेजकर सुरक्षित वापस निकाला। वहीं सदर STO और STPO ने बारून पहुंचकर बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को हटाया और अगले कुछ दिन नदी की तरफ नहीं जाने की भी अपील की। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां झारखंड में फिर से मॉनसून सक्रिय होगा। पिछले 2 दिनों से मॉनसून कमजोर पड़ा है। आज रांची, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 अगस्त को गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश खरसावा में होगी।